इंदौर पुलिस भले ही बदमाशों पर नकेल कसने का दावा करती हो, लेकिन बदमाश आए दिन चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां बाइक सवार बदमाश मामला सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के न्यू सियागंज मार्केट का है, जहां एक निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वाले 65 वर्षीय मुंशी लालदा प्रसाद शुक्ला ट्रांसपोर्ट से अपने घर जा रहे थे। तभी न्यू सियागंज मार्केट में पीछे से बाइक पर आए दो बदमाशों ने उनके कंधे पर रखा बैग छीनकर भाग निकले। बैग में लगभग 20,000 रुपए नकदी और अन्य दस्तावेज मौजूद है। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हाँ, एक कल इन्फॉर्मेशन थाने पे आई थी कि लालदा प्रसाद शुक्ला जी हैं, 65 साल लालदा प्रसाद जी शुक्ला है, 65 साल हैं, जो कि अपने पाटीदार ट्रांसपोर्ट पे काम करते हैं। वो अपने कामकाज करके लगभग 10 बजे निकलकर अपने सियागंज रोड होती हुई घर जा रहे थे, नारायणगंज में उनका घर है। तो सियागंज रोड पे अचानक मोटरसाइकिल से पीछे से तीन लड़के एक मोटरसाइकिल से आए और उनके जो पीछे कंधे पे बैग टंगा था वो थोड़ा सा खींच के ले गए और उस पे से अपन ने अपराध पंजीबद्ध किया है, विवेचना की जा रही है। नहीं, चाकू वाकू की कोई ऐसी बात नहीं हुई, सिर्फ सिंपल यानी हल्का सा उन्होंने खींचा और बैग की जो बद्दी टूट गई और बैग सहित वो लेके गए हैं। सियागंज रोड है, सियागंज रोड की घटना है। लगभग अमाउंट ज़्यादा नहीं था, लगभग अमाउंट 20,000 रुपये था और उसमें कुछ डेली आई चश्मा और नोटबुक डायरी थी और कुछ नहीं था। उसके संबंध में हमने लगातार मुखबिर लगाए गए हुए हैं और अपने जो टेक्निकल टीम लगाई रखी हुई है और हमारे सभी पुलिस अधिकारियों को एक्टिव ये कर दिया है और जल्दी जल्द हम आरोपियों की गिरफ्तारी का सुनिश्चित करेंगे। अभी हम चेक कर रहे हैं, कुछ हमें क्लू मिल रहे हैं, उन्हीं के आधार पर हम आगे बढ़ के यानी कार्रवाई कर रहे हैं। निकट भविष्य में जरूर सफलता मिलेगी। इंदौर से गणेश चौहान की रिपोर्ट।